और मारना पीटना क्या है साहब, आप एक खुसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते, आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ऑल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद, देखता हूं किसकी हिम्मत है किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही इस वास्ते आ रहा है, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सुन, दो ओवरऑल क्राइम रेट, अरे आप बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को, जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें, लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं, इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं, कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज बाई 2%।